अब खबरें विस्तार से। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज बीजेपी पूरे देश में उन्हें याद करते हुए माल्यार्पण कार्यक्रम कर रही है। वहीं भोपाल के 7 नंबर बस स्टॉप पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माल्यार्पण किया। इस दौरान सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प और उनके बताए मार्ग पर ही उनकी सरकार चल रही है। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक युग पुरुष उद्भट विद्वान राष्ट्रवादी चिंतक कुशल संगठक और भारतीय जीवन दर्शन परंपराओं और जीवन मूल्यों के आधार पर नई राजनीतिक संस्कृति का विकास करने वाले हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। उनके चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उन्हीं के बताए मार्ग पर आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिया था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, केवल संकल्प नहीं लिया, अपना बलिदान भी दिया, उस संकल्प को पूरा किया हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीर में अब दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है,